नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में, जहां आज बात होगी सात बड़ी खबरों की। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सात तस्वीरों के साथ। सात तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सरकार के बहुत बड़े फैसले के बारे में जानकारी दी है। दूसरी बड़ी खबर सीमा विवाद को लेकर असम मिजोरम सीमा पर हिंसा को लेकर है, जिस पर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां यूपी एटीएस ने मंगलवार को मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। वहीं चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। अगली खबर, दिल्ली में आज सुबह बारिश ने लोगों के लिए अलग मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। वहीं साथ की बात में आज किसान आंदोलन के एक अलग रूप को लेकर भी बात की जाएगी। साथ ही पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के 7 दिनों के जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो चलिए सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सरकार के एक बहुत बड़े फैसले के बारे में जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की ओर से पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को नाम भेजे जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों के ही होंगे। इसके लिए ही दिल्ली सरकार ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर जनता खुद उन डॉक्टर्स के नाम बता सकती है जिन्होंने कोरोना के दौरान शानदार काम किया है। साथ ही केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि बीते 1.5 साल से हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह से अथक परिश्रम कर लोगों की जान बचा रहे हैं, उसके लिए हम सब उनके आभारी रहेंगे। डॉक्टर, नर्स और अन्य सभी तरह के स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह से 24 घंटे काम कर रहे हैं, उसके लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया उनका शुक्रिया अदा करती है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश भर में हमारी ही ऐसी सरकार है जिसने कोरोना से शहीद होने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। अब ये समय है कि सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये जताने का और बताने का कि हम उनके कितने शुक्रगुजार हैं। हर साल देश ऐसी चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इसीलिए केजरीवाल ने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार तय किया है कि पद्म अवार्ड के तहत मिलने वाले 3 अवार्ड के लिए राज्य सरकार जो नाम केंद्र सरकार को भेजेगी, उनमें सिर्फ डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का नाम ही शामिल होगा। ये नाम जनता बताएगी, क्योंकि उसे ज्यादा अच्छे से पता है कि किस डॉक्टर ने कितना अच्छा काम किया है। और इसके लिए केजरीवाल ने एक ईमेल आईडी भी बताई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी का नाम बता सकता है और जिसे वो पद्म अवार्ड दिलाना चाहते हैं। ईमेल भेजने वाले को डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के नाम के साथ ही वो वजह भी बतानी होगी डिटेल में, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उसे ये अवार्ड दिया जाए। जो लोगों की सेवा करते करते उनको खुद कोरोना हो गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए, शहीद हो गए, पूरा देश, सारी इंसानियत इनकी कर्जदार है। इनको जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, शब्द नहीं है हमारे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में। हमने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी, जो कि लोगों की सेवा करते हुए, जिनको कोरोना हो गया, कोरोना का काम करते हुए जिन्हें कोरोना हो गया और जो शहीद हो गए, ऐसे लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी हम लोगों ने। अब ये समय है सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहने का, ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्रगुजार हैं, उनका सम्मान करने का, सभी डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने का। हर वर्ष देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर
बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई। इस वर्ष और ये पद्मा अवार्ड्स के लिए, मैं तीन अवार्ड्स की बात कर रहा हूं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इन तीन अवार्ड्स के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है और सभी राज्य सरकारों को से लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भेजती हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्मा अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे। सीमा विवाद को लेकर सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़क उठी। मिजोरम की ओर से उपद्रवियों द्वारा की गई गोलीबारी में असम के कछार में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। गोलीबारी के बीच जंगल में फंसे असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फायरिंग और पथराव में कछार के SP नीलांबकर वैभव चंद्रकांत भी घायल हुए हैं। इस बीच इस हिंसा को लेकर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर आपस में ही भिड़ गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में दखल देने की अपील भी की है। दरअसल देर रात शाह ने दोनों राज्यों के CM से बात की और उनसे विवादित सीमा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने और मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान निकालने के लिए भी कहा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने उन्हें विवाद का आपसी सहमति से हल निकालने का आश्वासन भी दिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने एक ट्वीट करके कहा कि असम के जवानों की मौत पर मिजोरम के जवानों ने जश्न मनाया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने असम मिजोरम सीमा पर हिंसा को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की लगातार घटनाओं से BJP ने हमारे देश में लोकतंत्र की मौत को न्योता दिया है। अभिषेक बनर्जी ने घटना के बारे में ट्वीट किया और लिखा #असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई निर्मम हिंसा के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। इसी तरह की लगातार घटनाओं से BJP ने हमारे देश में लोकतंत्र की मौत को न्योता दिया है। भारत बेहतर का हकदार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पूरी घटना पर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया और उन्होंने लोगों के जीवन में घृणा और अविश्वास बोकर देश को विफल किया है और भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। बता दें अधिकारियों के अनुसार मिजोरम के साथ राज्य के संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के कम से कम 5 कर्मी मारे गए हैं, साथ ही 1 SP सहित 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सीमा विवाद एक विवाद में बदल गया और सोमवार को हुआ खूनी संघर्ष। राहुल गांधी ने हिंसा के कथित वीडियो को भी टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। UPATS ने मंगलवार को मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है और साथ ही गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर बेचते थे। मानव तस्करी के इस गिरोह को पकड़ने के लिए UPATS के 30 अधिकारियों ने 36 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन चलाया। ATS को आरोपियों के पास से मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बांग्लादेश नागरिकता पहचान पत्र, ATM, रेलवे टिकट और UNHCR के कार्ड की छाया प्रति और 5 बांग्लादेशी टका और 24,480 रुपए भी बरामद हुए हैं। मामले का खुलासा करते हुए ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि UPATS को पिछले कुछ दिनों से सूचना हो रही थी कि एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत में लाकर और उनके नकली दस्तावेज तैयार करवाकर उन्हें भारत के कई राज्यों और NCR क्षेत्र जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में बसाता है। जांच करने पर पता चला है कि गिरोह का सरगना मोहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्तेमाल है।
जांच करने पर पता चला है कि गिरोह का सरगना मोहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी और पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर बसाता है और शादी कराने और बेहतर जिंदगी मुहैया कराने का झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ में बेच देता है। इसके बदले ये मानव तस्कर पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं, इससे धन अर्जित करते हैं। साथ ही निगरानी में पता चला है कि नूर मोहम्मद कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के साथ ट्रेन से दिल्ली जा रहा है, जिस पर यूपी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद में ट्रेन से उतार कर उनसे पूछताछ भी की। साथ ही गिरोह के सरगना ने बताया कि उनका एक साथी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलने आने वाला है, जिसकी सूचना पर उस व्यक्ति को भी दिल्ली रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेकर सभी 6 व्यक्तियों को एटीएस मुख्यालय लखनऊ लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इस गिरोह में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों ने एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी है, इससे प्रदेश भर की करीब 2500 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी हो गई हैं। सोमवार दोपहर तक एम्बुलेंस का संचालन शुरू नहीं हो पाया, हालांकि शासन की ओर से अचमा लगाने का निर्देश भी दे दिया गया है। इसके बाद भी हड़ताल जारी है। बता दें, प्रदेश में एम्बुलेंस की ALS सेवा नई कंपनी चिकित्सा को सौंपी गई है। ये कंपनी नए सिरे से भर्ती कर रही है और इसी को लेकर पहले से कार्यरत कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी समझौता नहीं होने पर ALS एम्बुलेंस कर्मचारियों के समर्थन में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे और संगठन मंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस कंपनी प्रबंधन, NHM और संघ के बीच बातचीत हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। संघ की मांग है कि एम्बुलेंस कर्मियों को पहले की तरह ही मानदेय दिया जाए, उनसे किसी भी तरह का बॉन्ड न भरवाया जाए और कोरोना काल में शहीद होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। सर जी, जब से हम लोग एम्बुलेंस पे बैठे हैं, काम करने के लिए सुचारू रूप से तैयार हुए हैं, तब से हमारा अधिकारों का हनन किया जा रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे चिकित्सा कंपनी हो। आज जब चिकित्सा कंपनी है तो बोली कि 20,000 रुपए की DD लूंगी मैं आपसे। आज जब हड़ताल होना चालू हुआ तो वो कह रहे हैं कि मैं 20,000 DD नहीं लूंगी। ये कौन सी बात होती है? कहीं ना कहीं हम लोग से अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे नेता है वो भी दोषी है, क्योंकि हमारी 250 अगर ALS कर्मचारी है, एम्बुलेंस है, तो उन्हें ये तो मालूम होता है कि एम्बुलेंस हमारी है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि इस पे काम करने वाले 1000 कर्मचारी हैं, और ये वही कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में 1 मीटर से भी कम दूरी पर काम करके, अच्छा काम करके आज उन्होंने कोरोना को दूर भगाया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। जब भी आंदोलन किया है आश्वासन मिला है, कहाँ मिला है? कागजों पे। हमारी मुख्य मांग यही है कि ठेका प्रथा बंद किया जाए टोटल एकदम, और NHS में शामिल करो जाए टोटल GB के, और जहाँ चिकित्सा कंपनी हमें ना चाहिए, हमें संविधा काम करने आए, एक बार समझे सुन लो कौन बोले। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बरेली के रबड़ फैक्ट्री ग्राउंड में, और जिस तरह से आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल कर दी है अपनी मांगों को लेकर। पूरे ग्राउंड भर में अगर चारों ओर नज़र घुमाकर देखा जाए तो पूरे ग्राउंड भर में जिले की सारी CSC और PSC की एम्बुलेंसें यहाँ मौजूद हैं, और कुछ स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस चालक मेरे साथ में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीराम है। मैं ये हड़ताल आपने की है अपनी मांगों को लेकर, क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि इतना बड़ी विपदा आई थी अभी कोरोना काल में, हमारे जितने भी एम्बुलेंस कर्मचारी थे अपनी परिवार की लापरवाह करते हुए उन लोगों ने अपने लोगों की जान बचाई थी जिंदगी से, क्योंकि एक बार डॉक्टर आने लगा है, सबसे पहले फर्स्ट काम जो किया था वो एम्बुलेंस कर्मचारियों ने किया, जो पेशेंट को स्पर्श करते थे सबसे पहले एम्बुलेंस कर्मचारी थे जो उन्हें स्पर्श कर रहे थे, और आज उन्हीं एम्बुलेंस कर्मचारियों को, कुछ कर्मचारी को जो ALS एम्बुलेंस है उनके कम से कम 1000 कर्मचारी को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मांगे हम लोगों की यही है, पिछले 3 दिनों से हम लोग मतलब शांतिपुर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों की मांगे नहीं सुनी गई, और उसके बावजूद मतलब आज हम लोग मतलब इस स्थिति में आ गए कि हम लोगों को, सभी लोगों को पूरे प्रदेश स्तर पर एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना। साफ तौर पर देखा जा सकता है 3 दिन शांतिपूर्वक धरने के बाद आज एम्बुलेंस चालकों ने इस ग्राउंड में अपनी सारी CSC और PSC की एम्बुलेंसों को खड़ा कर दिया है। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार।
दिल्ली एनसीआर में मौसम ने सुबह ऐसा समा बांधा कि कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गए। सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर दी, लेकिन कई तरह की परेशानियां भी पैदा हो गई हैं। दरअसल सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर और आसपास के इलाकों में बारिश होती रहेगी। वहीं दिल्ली में भी बारिश की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 घंटे में ही सफदरजंग इलाके में 100 मिलीमीटर पानी भर गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि अगले दिनों दिल्ली के निचले इलाकों का बुरा हाल होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि घंटे दो घंटे की बारिश में ही कई इलाके पानी से पूरी तरह लबालब हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बारिश से क्या हाल हुआ है, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बता दें, दिल्ली में सुबह सुबह हुई बारिश के बाद राजधानी का बुरा हाल हो गया है। तमाम जगह पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी काफी प्रभावित हुआ। क्या दो पहिया, क्या चार पहिया, सभी गाड़ियों को सड़कों पर चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सही होती है तो दिल्ली के निचले इलाकों का अगले 3 से 4 दिन तक बुरा हाल रहने वाला है। मॉनसून आने के बाद दूसरी बार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी बता दें, 18 जुलाई को ये जारी किया गया था और 19 जुलाई को जब लोग सोकर उठे तो राजधानी पूरी तरह पानी पानी हो चुकी थी। एक बार फिर 27 जुलाई के लिए वही अलर्ट था जो सच साबित हुआ है। इसके अलावा आने वाले पूरे हफ्ते में बारिश की संभावना बनी हुई है। हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी और ऐसे में अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट भी दर्ज की जाएगी, और साथ ही लोगों को गर्मी से कुछ समय के लिए राहत भी मिलेगी। केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले करीब 8 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द कर दिया जाए। इसे लेकर सरकार और किसानों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन पिछले कई हफ्तों से बातचीत बंद है। ऐसे में अब किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी सरकार के कानूनों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। जैसा पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान हुआ था, ठीक वैसे ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी किसान लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब यूपी की राजधानी लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली की सभी सीमाओं को सील किया गया है, वैसे ही लखनऊ की सीमा पर भी किसान बैठेंगे। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। बता दें कि यूपी में अगले कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में किसान संगठनों ने पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया है, और केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ किसान संगठन अब अपना आंदोलन और तेज करने वाले हैं। इसीलिए एक बार फिर किसान महापंचायतों का सहारा लिया जाएगा। पहली बड़ी महापंचायत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आयोजित की जाएगी, यानी कि यूपी के लिए किसान पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा किसान उत्तराखंड और पंजाब में भी प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। किसान संगठनों का कहना है कि इन राज्यों में भी किसान महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में किसानों की ये रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनाव में भारी पड़ सकती है। किसानों का ऐलान अगर 15 अगस्त के अंदर ये सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करती है तो किसान जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने का काम किए थे, उसी तरीके से फिर 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के दिन 4 लाख लोग 1 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और मोदी जी के छाती पर चढ़कर कहेंगे कि हमारी मांग पूरी करो, और नहीं करोगे तो गद्दी छोड़ के जाने का काम करो। और दिल्ली की तरह राकेश टिकैत सर ने कह चुके हैं कि दिल्ली के तरह लखनऊ को भी किसान जिस तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरीके से लखनऊ के अंदर भी कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। दिल्ली जैसा लखनऊ बनाने की जरूरत है, तब जाकर ये सरकार सुधरेगी।
हम लोग दिल्ली में लगातार 8 महीने से धरना दे रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने कहा है वो मुद्दे अलग हैं। हमारा जो दिल्ली का धरना है वो MSP को लेकर और 3 कानूनों को लेकर है। पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को 19 जुलाई की रात में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने का आरोप है और इसके बाद कोर्ट ने पहले राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत का आदेश दिया था और उसके बाद फिर उनकी हिरासत बढ़कर 27 जुलाई तक हुई थी। आज कोर्ट ने उन्हें जेल कस्टडी में भेज दिया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि कोर्ट में आज पुलिस ने क्या क्या कहा। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि राज कुंद्रा के सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 1,13,00,000 रुपए जमा हैं। क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े तमाम उन विक्टिम्स से अपील की है जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। एक विक्टिम 26 जुलाई को क्राइम ब्रांच के सामने आई है और उसने अपना स्टेटमेंट भी क्राइम ब्रांच को दे दिया है। पुलिस ने एप्पल स्टोर से हॉटशॉट की जानकारी मांगी तो पता चला कि इसमें 1,64,00,000 रुपए मिले हैं। साथ गूगल से भी अभी पेमेंट की जानकारी आनी बाकी है। 24 जुलाई को भी जो रेड राज कुंद्रा के ऑफिस पर की गई थी उसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन से जुड़ी फाइल्स मिली हैं। राज कुंद्रा के मोबाइल और रायन के मैकबुक से हॉटशॉट्स के रेवेन्यू और पेमेंट से जुड़े चैट्स भी मिले हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस ने अब तक राज कुंद्रा सहित 10 लोगों को पॉर्न फिल्म के निर्माण में कथित संलिप्तता और उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये मामला इसी साल फरवरी में सामने आया और एक एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस के पास केस दर्ज करवाया था। राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने लंदन की एक कंपनी के साथ गठजोड़ किया था जो एक मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स के माध्यम से अश्लील कंटेंट स्ट्रीमिंग में शामिल थी। साथ की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हर खबर से होगा हमारा